हेलो स्टूडेंट, हमारा जेई फाउंडेशन का बैच चल रहा था और जेई फाउंडेशन के बैच में हमारा यूनिट फर्स्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे और आज से हम अपना यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा, हमारा जो टॉपिक रहेगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आज हम टच करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, हमें मोशन की स्टडी करनी है और सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे मैकेनिक्स के बारे में। हमारा जो फिजिक्स का जो ब्रांच है, हम फिजिक्स को बहुत सारी ब्रांचेज में डिवाइड करते हैं, उसमें से हमारा एक ब्रांच है मैकेनिक्स। तो हम क्या करेंगे, मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अपना जो सेकंड यूनिट रहेगा 11th क्लास का जेई फाउंडेशन का, 9th में भी जो बच्चे हैं 9th में भी है मोशन और हमारा 11th में भी है मोशन। तो हमें पढ़ना है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम कंडीशंस डिस्कस करेंगे रेस्ट और मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उसकी कंडीशन को डिस्कस करना है, जब हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उस कंडीशन को डिस्कस करना है, वो हमारा होता है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में क्या करना है, हमें कंडीशंस को डिस्कस करना है, रेस्ट और मोशन की कंडीशंस को। अब क्या करते हैं, जो हमारे पास मैकेनिक्स है तो मैकेनिक्स की हम कुछ सब ब्रांचेज लेके चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। कौन कौन सी, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। तो ये हमारी मैकेनिक्स की सब ब्रांचेज हैं। सब ब्रांचेज मींस इसकी छोटी छोटी जो ब्रांचेज हैं, इस मैकेनिक्स को हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, स्टैटिक्स के बारे में। तो स्टैटिक्स क्या होता है हमारा, जब हमारा ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, रेस्ट में। सबसे पहले हम बात करेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, रेस्ट में। दूसरा, जब हमारे पास नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। जब हमारे पास नेट फोर्स जीरो होगा तब भी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टैटिक्स जो है हमारे पास ब्रांच है किसकी, मैकेनिक्स की। इसमें हमें क्या करना है, जब हमारा ऑब्जेक्ट किसके अंदर होगा, रेस्ट के अंदर हो, या जिस पे नेट फोर्स क्या हो, जीरो, मींस नेट फोर्स जीरो का इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि भाई हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा एफ न्यूटन का और इस डायरेक्शन में भी कोई फोर्स लगा हमारे पास एफ न्यूटन का, मींस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। यहां पे इक्वल अमाउंट की फोर्सेस लगी है, दोनों डायरेक्शन में लग रही है, इधर से भी। तो ऑब्जेक्ट का कोई मोशन नहीं होगा, यहां पे नेट फोर्स जीरो रहेगा, तब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या करना है, जब हमारा ऑब्जेक्ट किसके अंदर होगा, मोशन के अंदर होगा, तब हम क्या पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो इसकी सब ब्रांच है वो है हमारे पास डायनामिक्स। डायनामिक्स में क्या करना होता है, जब हमने ऑब्जेक्ट को मोशन कराया, जब हमने ऑब्जेक्ट को क्या कराया है, मोशन कराया है, अगर मुझे मोशन किस कारण से हो रहा है, उस कॉज का पता करना है, तो हम क्या पढ़ेंगे, डायनामिक्स। तो हमारा मैकेनिक्स स्टार्ट किया है, मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है। उसके बाद हमने मैकेनिक्स की सब ब्रांचेस के बारे में बताया। मैकेनिक्स की सब ब्रांचेस कौन कौन सी, हमारे पास स्टैटिक्स है, काइनेमेटिक्स है, डायनामिक्स है। तो हमें स्टैटिक्स में क्या करना था, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या नेट फोर्स क्या हो, जीरो, तब हमें पढ़ना है स्टैटिक्स। उसके बाद हमारा आया काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, मोशन में रहेगा। डायनामिक्स, डायनामिक्स में जब हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है और उस पर किस कारण से मोशन हो रहा है, अगर उस कारण का हमें पता करना है, उस कॉज का पता करना है, तो हम क्या पढ़ेंगे, डायनामिक्स। तो ये हमारे पास हो गई है मैकेनिक्स की कुछ सब ब्रांचेज। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोशन और रेस्ट, कि भाई रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। सबसे पहले बेसिक स्टार्टिंग हमारी होती है रेस्ट से। तो भाई आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई रेस्ट क्या होता है। मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसको ये हमने कोई ऑब्जेक्ट ले रखा है, और इस ऑब्जेक्ट को अगर हम इसकी पोजीशन में कोई चेंजमेंट ना करें, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास ए पोजीशन है, ये हमारे पास बी पोजीशन है, और इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंजमेंट ना करें, नॉट चेंज इन पोजीशन, नॉट चेंज, कोई चेंज नहीं करें किसके अंदर, पोजीशन के अंदर, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सराउंडिंग में हमारे पास टाइम चल रहा है, टाइम चलता चल रहा है, बट ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता। अगर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंजमेंट नहीं होगा तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, रेस्ट। तो वो ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, रेस्ट में, मींस पोजीशन में कोई चेंजमेंट ना आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
तो अब हम क्या बोलते हैं कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में। अगर हम इसको मोशन करा दें टाइम की रेस्पेक्ट में विद सराउंडिंग में, जो इस सराउंडिंग में जो टाइम होगा उसकी रेस्पेक्ट में हम इसको क्या करा देते हैं, मोशन करा देते हैं, मतलब पोजिशन को चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, कोई अपने पास ऑब्जेक्ट था, इसकी हम पोजीशन को चेंज कर देते हैं ए से बी। कहां से, ए से क्या कर दिया, बी पोजीशन। तो इसकी पोजीशन में जो चेंजमेंट आया टाइम के रेस्पेक्ट में, तब हम इसको क्या बोलेंगे, मोशन। तो वहां पे क्या हो जाता है हमारे पास, मोशन। तो अब हमारे पास, हमें जो डिस्कस करना है, जो हमारा जो चैप्टर है वो है हमारे पास मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हमें क्या डिस्कस करना है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन पढ़ना है हमें किसमें, स्ट्रेट लाइन में। इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। जब हमारा मोशन एक डायमेंशन में होगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा, स्ट्रेट डायरेक्शन में होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, तो उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। और इसको हम वन डायमेंशनल मोशन भी बोल देते हैं। तो हम मोशन को यहाँ पे थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। मोशन हमारे पास हो जाएगा थ्री कैटेगरीज में। वैसे हम यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी बोलते हैं। हमारे पास मोशन टू टाइप्स के हो जाते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन। तो सबसे पहले आता है वन डायमेंशनल मोशन, उसके बाद आएगा हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन, और उसके बाद अपने पास आएगा थ्री डायमेंशनल मोशन। तो मोशन के बारे में हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास वन डायमेंशनल मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन है, थ्री डायमेंशनल मोशन है। तो आज सिर्फ हम वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लेके चलेंगे। अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हम मान लेते हैं एक्स, वाई और जेड, हमारे पास ये एक अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब वन डायमेंशनल मोशन कब होगा, मान लो ये हमारा हो गया है ओरिजिन, ओरिजिन पे एक्स भी जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा और जेड भी जीरो होगा। तो जब हमारा मोशन ओनली एक्स एक्सिस में हो, ओनली मोशन किस में है, एक्स एक्सिस में है, खाली एक्स एक्सिस में ओनली हमारा वन कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर इन्वॉल्व है तो हम उसको बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। मान लेते हैं हमारा कोई ऑब्जेक्ट या तो एक्स एक्स में मोशन करे, या वाई वाई में मोशन करे, या जेड जेड में मोशन करे, किसी भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर वो मोशन करता है तब हम क्या बोलते हैं, अपना वन डायमेंशनल मोशन है। जैसे कोई भी हम स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं, जैसे ट्रेन अपने ट्रैक पर जब मोशन करती है तो उसका मोशन होता है स्ट्रेट लाइन, तो वो हमारा वन डी में काउंट हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम क्या, वन डायमेंशनल मोशन। दूसरा, जब हम फ्री फॉल की कंडीशन अगर उसके बारे में डिस्कस करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वह ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो वो वाई एक्सिस में मोशन हो रहा है, वो वाई एक्सिस में है तो भी हमारा क्या होगा, वन डायमेंशनल मोशन। तो ये हो गया हमारे पास वन डी मोशन। वन डायमेंशनल मोशन क्या होगा, जब हमारा मोशन ओनली एक एक्सिस में हो, ओनली वन एक्सिस में, एक्स एक्सिस में हो, वाई एक्सिस में हो या जेड एक्सिस में हो, तो अब हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। अब बात करते हैं टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है, जब हमारे टू कोऑर्डिनेट सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, एक्स वाई में कोई मोशन हो, वाई जेड में कोई मोशन हो, वाई जेड प्लेन ले लेते हैं, जेड एक्स प्लेन ले लेते हैं। टू डी की बात करेंगे तो वहां पे हम प्लेन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, प्लेन। प्लेन हमारे टू कोऑर्डिनेट सिस्टम से मिलके बनते हैं, एक्स वाई प्लेन में मोशन हो, वाई जेड में मोशन हो और जेड एक्स में मोशन हो। जब हमारे पास एक्स वाई दो कोऑर्डिनेट सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं तब हमारे पास क्या होता है, टू डायमेंशनल मोशन। हमारा मोशन कैसा होगा, टू डायमेंशनल मोशन। उसमें हम जब हम कोई कार वगैरह चलाते हैं जिगजैग पाथ में, अगर कार चल रही है, हिल क्लाइंब का गेम भी खेला होगा आप लोगों ने, जब वहां पे जो कार चलती है ऐसे अप डाउन अप डाउन, एक्स में भी चलती है वाई में भी चलती है, एक्स में भी चलती है वाई में भी चलती है, तब हमारे पास क्या होता है, टू डायमेंशनल मोशन। जैसे हम पेड़ियों पर चढ़ते हैं, जो ये पेड़े होते हैं हमारे घरों में, पेड़ अरे ये स्टेयर होते हैं ना, जो हमारे पास ये सीढ़ियां होती है, सीढ़ियां जब हम चढ़ते हैं तो इसमें देखो मोशन एक्स में भी है वाई में भी है, एक्स में भी है वाई में भी है, एक्स में भी है वाई में भी है। तो जब आपका मोशन एक्स में भी हो वाई में भी हो, एक्स में भी हो वाई में भी हो, तब हम क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल मोशन। अब हमारा लास्ट है
थ्री डायमेंशनल मोशन। तो थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होगा, जब एक्स भी इन्वॉल्व हो, वाई भी इन्वॉल्व हो, जेड भी इन्वॉल्व हो। जैसे हम काइट उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, तो हमारा एक्स में भी होता है, वाई में भी होता है, जेड में भी होता है। दूसरा, जब स्पेस में फ्लाइट वगैरह जाती है या स्पेस में कोई अंतरिक्ष में हम जैसे कोई भी रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, थ्री डायमेंशनल मोशन होता है। तो हमारे पास वन डायमेंशनल मोशन हो गया, थ्री डायमेंशनल मोशन हो गया, सॉरी टू डायमेंशनल हो गया, थ्री डायमेंशनल मोशन हो गया। थ्री डायमेंशनल में तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम इन्वॉल्व करेंगे, एक्स भी करेगा, वाई भी करेगा, जेड भी करेगा। तो आज हमारा था वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोशन यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और ऐसे मजेदार वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।